हेलो व्हाट्सअप गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बात बोलना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहे। अपन बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हेलो व्हाट्सअप गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूनिक टेक्निकल टिप्स चैनल पे। आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। आज का अपना टॉपिक है टॉप 5 सेटिंग्स बताऊंगा जो आपके मोबाइल में, सबके स्मार्ट मोबाइल में होती है लेकिन आप लोगों को नहीं पता। अगर आप लोगों को वो सेटिंग्स के बारे में पता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको सेटिंग्स पता है वो बता दीजिए, और आपको कोई और से भी अलग सेटिंग्स के बारे में पता है तो प्लीज़ वो भी भेज दीजिए। और अपन बिना किसी देरी के करते थे अपनी वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने के लिए अपन को अपना पहली टिप्स बतानी पड़ेगी। टिप्स बताने के लिए आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद आपको ऊपर सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च वाला आइकन दिख रहा है, इस पर सर्च करना है। आपको अभी मैं बताता हूँ क्या सर्च करना है। आपको यहाँ पे सर्च मारना है प्राइवेट डीएनए। प्राइवेट डीएनए पे जैसे आप टैप करेंगे, टैप करने के बाद आपको पहला ऑप्शन ही देखने को मिलेगा, और कोई ऑप्शन तो दिख भी नहीं रहा है, तो अपन इसी को टैप कर देते हैं। टैप करने के बाद अपन को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको ये दो ऑप्शन दिखाया जाएगा ऑफ, ये ज़्यादातर आप लोगों के ऑफ ही होगा या ऑटो भी हो सकता है। आपको इन दोनों से हटा के आपको ये थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप कर देना है। इसमें आपको टैप करने से आपको क्या मिलेगा आप लोगों को मैं आगे बताता हूँ। रुको जरा, इतनी क्या जल्दबाजी है। आप लोगों को ये जो भी लिखा हुआ दिख रहा है, ये डीएनए एंड्रॉइड ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ आपको जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वहीं पर आपको लिख देना है, और फिर आपको सेव कर देना है। इससे क्या होगा, आप जैसे कि कईयों के साथ में, मतलब सबको सबके साथ यही होता है, जैसे आप कोई भी वेबसाइट ऑन करते हैं तो ऐड आ जाती है, दिंगाड़ी फिंगाड़ी ऐड और आती है, तो ये चीज़ करने से आपके मोबाइल में ऐड नहीं आएगी। जो भी आप वेबसाइट खोलोगे, कोई सी भी वेबसाइट खोलोगे तो भी आपके ऐड नहीं आएगी। जैसे कि मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, जैसे कि गूगल ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं मैंने राजस्थान वाली ये सर्च मारी थी, और देख लो कोई सी भी ऐड नहीं आ रही है। आप ये चीज़ करके देखना, और आपको ये चीज़ नहीं पता था तो प्लीज़ यार आप लोगों को मैंने बताया तो प्लीज़ मेरे को कुछ तो दो, मेरे चैनल को लाइक दो, सपोर्ट करो यार, जितना हो सके उतना शेयर करो यार, सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन दबाओ। तो नेक्स्ट फीचर के लिए अपन को चलना पड़ेगा एकदम बैक। बैक जाने के बाद आप लोगों को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा ट्रू कॉलर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ट्रू कॉलर डाउनलोड कर लिया है। ऑब्वियसली ये सिंपल सी बात है यार, आज के ज़माने में ए टू जेड जनों ने अपने मोबाइल में ट्रू कॉलर डाउनलोड कर रखा है। और इसका अब अपन को क्या है ट्रू कॉलर से अपन क्या चीज़ करने वाले हैं, अपन पहले करते हैं व्हाट्सअप ऑन। व्हाट्सअप ऑन करने के बाद जैसे आप मेरी कॉल लिस्ट देख सकते हैं, ये सारी कॉल लिस्ट है ना अपन को व्हाट्सअप में आके देखने को मिलती है। अपन को अपने शुरुआत में जो मोबाइल का जो ये कंटेंट वाला होता है, कॉल वाला ब्लॉक, वहाँ पे अपन सर्च मारते हैं तो ये जो कुछ भी चीज़ें नहीं आती, जो व्हाट्सअप कॉल है ये नहीं आती, उस पर आप लोगों को बताइए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना टेलीग्राम क्या यार, सॉरी यार हो जाती है जल्दबाजी में, गलतियाँ ही होती है, आखिर इंसान से गलती होती है, आप लोगों को बताइए। तो अपन को यहाँ पे करना है अपना ट्रू कॉलर ऑन। ट्रू कॉलर ऑन होते के साथ ही आपको ये ऊपर आपको स्वाइप करना है, राइट साइड स्वाइप करने के बाद आपको सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको जैसे पहला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर भी टैप करना है। टैप करने के बाद आपको ये दिखा रहा है शो व्हाट्सअप कॉल्स, मतलब आपको ये चीज़ ऑन करने से आपकी जो व्हाट्सअप कॉल है वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगी। अपन ये ऑन कर देते हैं। ऑन करते ही आप देखिए, जैसे कि मैं बैग जाता हूँ, बैग जाने के बाद ये सारी ये कॉल आने लगी है, मैंने अपने भाई को कॉल लगाई थी वो भी आ रही है ट्रू कॉलर, और की सारी कॉल्स यहाँ पे आ जाती है। अगर ये सेटिंग्स के बारे में आपको पता था प्लीज़ यार डिस्क्रिप्शन में भेजो, और अगर आपको कोई नई सेटिंग्स के बारे में पता है यार तो बांटो यार, मैं सबको बताऊंगा यार ए टू जेड जनों को। नेक्स्ट सेटिंग के लिए अपन को चलना पड़ेगा एकदम बैग। बैग जाने के बाद अपनी नई सेटिंग्स के लिए अपन को तीसरी टिप्स बतानी पड़ेगी, लेट्स गो। नेक्स्ट फीचर के लिए अपन को अपने मोबाइल की सेटिंग्स में ही जाना है, वो स्वाइप करते हैं। स्वाइप करने के बाद सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप करते हैं। इस पर टैप करने के बाद अपन को सर्च वाले आइकन पे सर्च करना है SOS, तो अपन सर्च करते हैं SOS। इस पर अपन ऑन किया, ऑन करना, ना 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 हो जाओ 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 जाओ। तो अपन को ये दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अपन को नीचे वाले पे टैप करना है एमरजेंसी SOS, इस पर टैप करते हैं। टैप करने के बाद अपन को फर्स्ट ही देखने को मिलता है यही, अपन इस पर भी टैप करते हैं। टैप करने के बाद ये आपको बता रहा है कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर ये बता रहा है कि जैसे आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप किसी और के अपने फोन इसमें नंबर आपको सेव करना है। जैसे आप अपना मोबाइल ऑन करने वाला बटन है बोले तो पावर बटन, इस पर अगर 5 बार या 3 बार जल्दी जल्दी टैप करोगे तो ये आपका एक ना एमरजेंसी कॉल लगा देगा, और जिसके भी आपने नंबर सेव कर रखे हैं, भले आपके वो मम्मी के हैं, पापा के हैं, भैया के हैं, किसी के भी हैं, उनके पास एक एमरजेंसी वाला मैसेज चला जाएगा और साथ में लोकेशन चली जाएगी, और नीचे लिखा हुआ एमरजेंसी प्लीज़ हेल्प मी। ओके, तो आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ से करते हैं, ये चीज़ भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो फिर नंबर सेट करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, नंबर सेट करने के लिए आपको जो ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इसमें आप कंटेंट सेट कर सकते हैं, जिसको आप एमरजेंसी वाला मैसेज भेजना चाहते हैं, और अब आपको जिसका भी नंबर सर्च मारना है, मतलब जिसको भी भेजना है उसको कर सकते हैं। मैं अपने ब्रदर का नंबर उसको सेव करता हूँ, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है प्लस आइकन ऐड, बोले तो इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद देख सकते हैं ये मेरे भाई का नंबर सेव हो चुका है। सेव होने के बाद अपन को बैक चला जाना है। अब आप जब भी अगर ट्रिपल वाली टैप 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 करोगे तब ये चीज़ मैसेज भेज देगी, और मैं आप लोगों को ये करके भी दिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ें ऑन कर लेना, और जैसे आप लोगों को बैक जाके दिखाता हूँ, मैं 4 बारी दबाता हूँ फटाफट। और जैसे कि आप देख सकते हैं अपने सारी चीज़ें ऑन कर दी थी, तो है ना अपने मोबाइल की कैमरा भी ऑन हो जाता है, 5 फोटो भेज देता है 5 सेकंड की, जो भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड होती है वो भी उनके पास तुरंत चली जाती है। अब आपको दिखाने के लिए मैं अपना मैसेज वाला ऐप ऑन करता हूँ। ऐप ऑन करने के बाद आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया था, मैंने अपने भाई का मैसेज पे सेंड किया है, मैंने उसको बोल दिया यार वीडियो बना रहा हूँ, कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए फोटो फ्रंट कैमरे से भी भेज दी गई है और बैक कैमरे से भी भेज दी गई है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सॉरी ब्रो ऐसे फनी वीडियो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए भेजिए, और आपको ऑडियो भी मैं सुनाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था, और ये इसलिए वो मैसेज उनके पास भी वो चला गया, और फिर मैंने उन्हें बता दिया यार कोई सीरियस बात नहीं है भाई, भाई चिंता कर ले यार भाई चांस अपनी। तो इस जो भी सेटिंग थी, ये जो भी टिप्स थी, इसमें यही था। अगर ये टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलो यार, क्यों इतना आलस दिखा रहे हो। प्लीज़ लाइक तो कर ही सकते हो, क्या बहुत मेहनत लगती है, बहुत गर्मियों के अंदर काम करते हैं भाई, पंखा ऑफ करके यार फटफट की आवाज़ आती है वरना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट हो जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। ओके, अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर्स की ओर, लेट्स गो।
अब जो ये नेक्स्ट न्यू फीचर्स जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये आप सबके लिए बहुत काम आएगी। कभी कभार आपके आसपास ऐसे लोग आ जाते हैं जिनसे आपको फाइल लेनी होती है, सिर्फ एक ही फाइल, और आपको फिर व्हाट्सएप पे लेने के लिए उसे उन्हें फोन नंबर अपने देने पड़ते हैं। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए, मतलब बिना फोन नंबर दिए आप उससे फाइल्स ले सकते हो, फोटो ले सकते हो, चैटिंग्स भी कर सकते हो, लेकिन आपके नंबर उनके पास नहीं जाएंगे, ना ही उनके नंबर आपके पास आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना व्हाट्सएप ऑन करना है। जैसे कि देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप ऑन हो रहा है, ऑन होने के बाद आपको ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद ये आपका क्यूआर कोड है आपके व्हाट्सएप का, इस पर टैप करेंगे और आप देख सकते हैं ये क्यूआर कोड आप अपना दे सकते हैं, जिससे आपके बिना नंबर के आप उसे चैटिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, और वीडियोस और जो भी है आप एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये फीचर्स भी बहुत एक तरीके का हिडन, तो मैं आप और उनसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप और ये फीचर्स भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे कल। अपन बाय बाय, गुड बाय, सयोनारा, गुड नाइट, जो भी बोले, जो जो बोलना चाहे उसको, वो जो जो चाहता है वो मुझसे सुनना उसे, वो जय बोले तो जय जय। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको सारी सेटिंग्स अच्छी लगी हो, और आपको भी कोई अलग सेटिंग्स पता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में अपनी सेटिंग्स के बारे में थोड़ी डिटेल दें, ताकि ये मैं अपने ऑडियंस और उनसे सबके साथ शेयर कर सकूँ, और आपका नाम भी मैं अपने टाइटल के अंदर सबसे टॉप पे रखूँगा, ताकि आप और भी फेमस हो सको। ओके, गुड बाय।